हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे आई हो? कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको एक और हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, सुबह के 7:30 हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लिए हैं हम लोग। और तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे आए हो? कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हमने स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लिया है और बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं। तो माता जी स्नान ध्यान करके मंदिर पे पूजा करने के लिए गई हैं और फ्रेंड हमने पूजा पाठ कर लिया है। तो फ्रेंड, बीच में हमारा तबीयत खराब था, इसीलिए हमने ब्लॉग नहीं बनाया। तो फ्रेंड, अभी हमारा तबीयत ठीक है। मौसम के परिवर्तन होने से मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए हमको सर्दी जुकाम बुखार हो गया था। अभी फिलहाल ठीक है हम, आज तो मतलब बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह बना दिया है, हम बना बना के, और उसके बाद से हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। और माता जी आएंगे तो चाय पानी पियेंगे, उसके बाद से नाश्ता करेंगी। तो नाश्ते में हमने चना बनाया था। तो पापा जी हमारे नाश्ता करके बाहर गए हुए हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं कुछ टाइम बाद, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड, अभी माता जी हमारी मंदिर से आ चुकी हैं। तो फ्रेंड देखिए, माता जी मंदिर से आ चुकी हैं। अभी लाइट आया है तो सब्जी हमारा बन चुका है, चावल हम बना रहे हैं, उसके बाद से रोटियाँ सेक रहे हैं गर्मा गर्म, क्योंकि रोटी ठंडा हो जाता है तो खाने का स्वाद ही अच्छा नहीं लगता है, स्वाद ही बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड, अभी हम रोटियाँ बना रहे हैं। किसको किसको गर्म गर्म रोटी पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो फ्रेंड देखिए, रोटियाँ हमारी बन चुकी हैं। दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये घी है, दाल है, इसका स्वाद और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमारा दाल, सब्जी और ये गर्मा गर्म रोटी और ये चावल बन चुका है। अभी हम चल रहे हैं सबको खाना खिलाने, मिलते हैं कुछ टाइम बाद, आप लोग वीडियो भी बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम पापा जी और माता जी को खाना लेके आ गए। तो फ्रेंड, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है। दिवाली में पूरी घर की सफाई दफाई मतलब आज एक सप्ताह से लगे हुए हैं, आधा हुआ है, आधा बाकी है। तो किचन की सफाई तो हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमने किचन में जो सारे डिब्बे थे उसको हमने सारे किचन से बाहर निकाल दिए हैं और एक साइज का हमने सारा डिब्बा मंगा के और सब किचन में हम
रख दिए हैं। अभी कुछ सामान हम डिब्बे में रखे हैं, कुछ बाकी है रखना, तो हमको टाइम मिलेगा तो हम रखेंगे। अभी तो फ्रेंड ये है हमारा किचन, और यहाँ तो आप लोग देख ही सकते हैं इस साइड में पूजा होता है। तो फ्रेंड आइए रूम की तरफ चलते हैं। देखिए पूरा सफाई दफाई पूरे घर का, अभी कुछ हुआ है कुछ बाकी है तो उसी में हम लगे हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए ये लोग स्कूल से आ चुके हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। बंद करो, चलो खाना खाने चलो, बाबा जी बुला रहे हैं, चलो चलो। तो फ्रेंड अभी प्रियांशी हैं तो वो गई हैं बाहर, वो भी आ चुकी हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारा रूम है, अभी ट्रंक का खोल धो दिए हैं, अभी दिखा रहे हैं अलमारी का भी खोल धो दिए हैं। और फ्रेंड एक चीज़ और आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये हमारा बेड है, बेड में दीमक लग चुका है। तो फ्रेंड देखिए इसके लिए दवा आया है, दवा लग रहा है तो कल लगा और परसों दो दिन लगा है। इसके बाद छोटे छोटे जो कीड़े हैं आपको हम दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते अभी मतलब इतने छोटे छोटे कीड़े हैं कि यहाँ पे मेरा जो उंगली है यहीं पे छोटे छोटे कीड़े गिरे हुए हैं, तो दवा लग रहा है। और ये दीमक आए हैं, बगल में एक घर है उनके घर से दीवार से पकड़ के, तो ये मेरा बेड पूरा वो हो गया है। अभी इसका प्लाई उलाई सब निकाल के वहाँ रखा गया है साइड में, तभी दो चार दिन के बाद इसके बिस्तर सही होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आइए चलते हैं फिर रूम की तरफ, देखते हैं खाना खिला रहे हैं पापा जी और माता जी को। तो फ्रेंड ये है हमारा ड्रेसिंग, चलो बेटा खाना खा लो। क्या है दांत टूट गया। तो फ्रेंड देखिए ये गई थी घूमने आई है, इनका एक दांत टूट गया है। जाओ दादी से दिखा दो, जाओ दादी बुला रही हैं। दादी इस रूम में, एसी वाले रूम में। तो फ्रेंड इनके पेट में दर्द हो रहा था, ये स्कूल से आ गए हैं अभी आराम है इनका पेट। तो फ्रेंड हम किचन में आ चुके हैं, अभी चावल देना बाकी है। तो फ्रेंड हम अभी चावल दे के आ गए, अब चल रहे हैं बच्चों को खाना खिलाएंगे, हम भी खाना खाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं कुछ टाइम बाद, आप लोग वीडियो बने रहिए। तो फ्रेंड चाय सबको बना के पिला दिए हैं, बच्चे कुछ निकाल गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं खाना खाना दिए हैं खाने के लिए, दिखाते हैं। हेलो दीपानी लोग, तो ये देखिए ये लोग कोचिंग से आ चुके हैं, आके दोनों खाना खा रहे हैं। हेलो हेलो गाइस, ये हमारे बेटा जी हैं। तो फ्रेंड ये हमारा ब्लॉग आज तक तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं एक अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड अभी दोपहर का टाइम हुआ है और बच्चे खाना खा के सोए थे, अभी उठे हैं, मुंह धुले हैं, पानी वानी
पी के, और उसके बाद से वो लोग कोचिंग के लिए गए हैं, तो कोचिंग करके अभी एक घंटे में आएंगे। तो फ्रेंड अब तक हम चल रहे हैं, जो बड़े लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए चाय बना के बाहर भेज दे रहे हैं, उसके बाद से माता जी को पिलाएंगे, हम भी पियेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ टाइम बाद।